बिसमिल्ल रहीम डियर फ्रेंड्स वालेकुम एंड वेलकम टू मी स्टूडियो फ्रेंड्स एक दोस्त ने कमेंट किया था कि सी की जो हमें व्हाट्सएप पे कॉपी आती है और उस सी की जो इमेज होती है उसके आउटसाइड पे यानी असल जो इमेज होती है सी की उसके अलावा जो उसकी चारों साइड पे एक्स्ट्रा स्पेस होती है हम उसको कैसे रिमूव करें और उसके बाद हम कंप्यूटर से या लैपटॉप से प्रिंटर के ज़रिए सी की मल्टीपल कॉपीज किस तरह प्रिंट करें इस टॉपिक पे ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने मुख्तलिफ मेथड्स बताए हैं कि आप प्रिंटर से किस तरह मल्टीपल कॉपीज प्रिंट कर सकते हैं तमाम वीडियोस के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा आप वो भी देख सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह व्हाट्सएप से इमेज़ को डाउनलोड करेंगे किस तरह क्रॉप करेंगे यानी एक्स्ट्रा एरिया को रिमूव करेंगे और किस तरह एक दो चार पाँच आठ नौ जितनी भी कापियाँ चाहें आप प्रिंट कर सकते हैं और ये तमाम के तमाम काम हम बग़ैर किसी सॉफ्टवेयर के यानी एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के करेंगे यानी हमें क्रॉप करने के लिए भी किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है और मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए भी किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कोई ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर या एम एस वर्ड का सॉफ्टवेयर कोई भी हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहाँ से सी एन आई सी की कॉपीज़ को डाउनलोड कर लेते हैं ये मेरे पास दो कॉपीज़ हैं तो मैं इनको पहले डाउनलोड कर रहा हूँ आपके सामने अपने पी सी में सबसे पहले मैं इन इमेज़ की लोकेशन पर जाता हूँ तो शो इन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं व्यू जरा चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो सके तो लार्ज आइकॉन्स पे मैंने क्लिक किया अब ये मेरे पास दो इमेजेस हैं मैं ज़रा आपको और जूम करके दिखा देता हूँ ये देखिए हमारे पास इतना जो है सी एन आई सी का इमेज है और एक्स्ट्रा जो वाइट एरिया है इसको हमने ख़त्म करना है तो दोनों इमेजेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके एडिट के बटन पर क्लिक करूँगा एडिट की ऑप्शन पर क्लिक करूँगा आप इसको यानी एम एस पेंट में आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं आपको कोई एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं राइट क्लिक करके दोनों इमेजेस को एडिट के फंक्शन पे क्लिक करता हूँ और एम एस पेंट जो विंडोज़ के अंदर पेंट का सॉफ्टवेयर होता है उसमें मैंने इसको ओपन किया है ये देखें मेरे सामने सी एन आई सी की फ्रंट साइड ओपन हो चुकी है अब मैंने इसका ये एक्स्ट्रा एरिया जो है इसको रिमूव करना है सिर्फ मैंने अपने इमेज का एरिया जो है वो बाकी रखना है और एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करना है तो ये देखें हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट इस बटन पे क्लिक करें इसके बाद अब आप इसको इस तरह करके ड्रैग करके सिलेक्ट करें जो आपका एरिया एकोरेट है ये देखें मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ क्रॉप वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा तो आप देखें जो एरिया मैंने एक रेक्टेंगल के अंदर लिया था वो हमारे सामने है और उसके अलावा जितना भी एरिया था वो ख़त्म हो चुका है अब हम इस फाइल को यहाँ से सेव करते हैं और इस फाइल को क्लोज़ कर देते हैं इसी तरह सेम प्रोसीजर हम बैक साइड के साथ करेंगे यहाँ से सिलेक्शन वाले बटन पर क्लिक करें और यहाँ से अपना एरिया सेलेक्ट करें जो सी का एग्जैक्ट आपका एरिया है तो ये मैंने सेलेक्ट किया क्रॉप वाले बटन पे उसके बाद क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे ये देखें मैंने सेव कर दिया अब देख सकते हैं आपके इमेज के आउटसाइड जितना भी रफ एरिया था वो ख़त्म हो चुका है तो ये इस तरह करके आप बगैर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के विंडोज़ के अंदर ही पेंट की मदद से इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं अब नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रिंटिंग की तरफ आपने अब अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से प्रिंटर के ज़रिए किस तरह इन सी एन सी की कॉपीज़ को प्रिंट करना है मल्टीपल करना है या एक करना है तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है बग़ैर किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ किए सबसे पहले आप एक साइड को प्रिंट करेंगे फिर आप दूसरी साइड को तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले फ्रंट साइड को प्रिंट कर लेता हूँ आप फ्रंट करें बैक करें नो no इशू तो राइट क्लिक करेंगे उसके बाद हम प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे कोई भी आपके पास जो भी प्रिंटर इंस्टॉल है तो यहाँ से मैं एक प्रिंटर सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रिंटर को सिलेक्ट करने के बाद आपने फर्स्ट स्टेप ये करना है कि यहाँ से जो फिट पिक्चर टू फ्रेम है इसको आपने अनचेक कर देना है ये कर दिया इसके बाद अब हमने मल्टीपल कॉपीज बनानी है तो मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है तो देखें यहाँ पे फोर लिखा हुआ है लेकिन ये साइज़ ज़्यादा होगा यहाँ पे नाइन लिखा हुआ है यहाँ पे साइज़ तकरीबन बेहतर रहेगा अगर हम थर्टी फाइव यानी एक पेज पे थर्टी फाइव कापीज़ प्रिंट करेंगे तो बहुत छोटी आएंगी इस वजह से हम क्या करेंगे नाइन वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये जो इमेज है आपके कॉर्नर में यहाँ पे आ गई अब यहाँ पे काफ़ी सारी और भी सेटिंग्स हैं अगर आप समझते हैं तो आप कर सकते हैं अदरवाइज़ ये स्टैंडर्ड सेटिंग्स होती हैं जिनको Uh, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है तो इस वक्त अब देखें हमारे सामने एक कॉपी है अब मैं यहाँ से मैक्सिमम नाइन कॉपीज़ बना सकता हूँ इस ऑप्शन से तो यहाँ पे देखें वन लिखा हुआ है इस वजह से हमें यहाँ पे वन शो हो रहा है मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टू हो जाएगा यहाँ पे कॉपीज़ भी टू अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो थ्री तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप नाइन कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं वन टू थ्री कितनी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं अब मैं यहाँ पे नाइन कर देता हूँ तो देखें मेरे सामने यहाँ पे इस पेज पे नौ कॉपियाँ तैयार हो चुकी हैं अब मैं इसको प्रिंट की कमांड दूंगा तो एक पेज की साइड पे ये फ्रंट साइड प्रिंट हो जाएगी उसके बाद दोबारा से मैं सेम प्रोसीजर करूँगा आपने प्रिंटशुदा उस पेपर को प्रिंटर के अंदर चेंज करके साइड दोबारा से डाल दूंगा और राइट क्लिक करूंगा बैक साइड पे उसके बाद मैं प्रिंट की कमांड पे जाऊंगा सेम प्रोसीजर करूंगा इसको अनचेक करूंगा यहाँ से नाइन करूंगा और यहाँ से क्या करना है ये नहीं है, आपने भूलना अगर आप ये ऑप्शन नहीं करेंगे और यहाँ पे नाइन लिख देंगे तो अलग-अलग अलायद नाइन पेजेस के ऊपर आपके नौ प्रिंट निकल आएंगे इस वजह से अगर हमने एक पेज के ऊपर मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है तो फिर हमें ये वाली ऑप्शन टिक करनी है अदरवाइज़ बाय डिफॉल्ट आपकी ये ऑप्शन टिक होती है तो यहाँ से आपने नाइन सेलेक्ट किया यहाँ पे आपने नाइन लिख दिया अब दोबारा प्रिंट की कमांड देंगे तो पेज की दूसरी साइड पर आपकी बैक साइड प्रिंट हो जाएगी इस तरह करके आप डायरेक्ट प्रिंटर से नौ सी सीन्य, एन की कॉपीज़ प्रिंट कर सकते हैं आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक केयर अल्लाह हाफिज़